वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। आज ये जानेंगे कि वाटर लेवल के बारे में कि यदि अपने को वाटर लेवल चेक करना हो तो किस प्रकार से किया जाता है। जैसे यदि अपना कोई भी काम रहता है, यदि पूरा वाटर लेवल में नहीं रहता है तो काम भी अच्छा नहीं होता है, काम प्रॉपर से नहीं होता है और दिखने में भी सुंदर नहीं दिखाई देता है, उसका लेवल ऊँचा और नीचा रहता है। जैसे कि आप सामने देख रहे हो, पहले अपने वाटर लेवल को पूरा चेक कर लेंगे अच्छी तरीके से, जैसे यहाँ पे दोनों तरफ से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस प्रकार से अपने अंदर की साइड में पूरा बबल्स भी चेक कर लेंगे कि जैसे अंदर की साइड में यदि बबल्स हुआ तो अपना वाटर लेवल प्रॉपर से नहीं आ पाएगा उसमें, और अपना मिस्टेक रहेगा यदि वाटर लेवल ऊंचा और नीचा रहेगा। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे पूरा अपना वाटर लेवल है पूरा क्लियर है। जैसे अपने को रूम के हिसाब से लेना हो तो अपने पूरा लंबा वाटर लेवल मंगा लेंगे ताकि एक ही कोने से पूरा रूम का लेवल चेक हो सके। दोस्तों, यदि चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी चलिए अपने प्रैक्टिकली करके देखते हैं वाटर लेवल किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे अपने यहाँ पे एक पॉइंट पे मार्किंग लगाएंगे, जैसे नीचे से 4 फुट लगा दो, यहाँ पे एक ही साइड में लगाना है, दूसरी साइड में जो मार्किंग होगा वो डायरेक्टली वाटर लेवल से हो जाएगा। यहाँ पे वाटर लेवल लगा दो, अभी अपने को एक ही साइड में लगाना है, ऑटोमेटिकली दूसरा वाला जो है वाटर लेवल में ऑटोमेटिक चला जाएगा। जैसे अपने यहाँ पे जो सर्वप्रथम जो अपना मार्किंग लगाए थे वो अपना मैच करा लेंगे यहाँ पे प्रॉपर से। जैसे मार्किंग किया था अपने 4 फुट का, तो यहाँ से प्रॉपर से मैच कर देंगे। और फिर यहाँ पे जो यहाँ पे डन हो जाने के बाद में वो एरिया में अपने पूरा मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से अपना वाटर लेवल निकल गया, अभी उसको डोरी से छांट देंगे डायरेक्ट। और डोरी से छांटने का रीज़न ये रहता है कि अपना जो लेवल है वो बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। जैसे अपने को कुछ भी फिट करना है तो अपना बॉटम में रहेगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। और लेवल यदि डोरी छांटते समय अपने को ये ध्यान रखना है कि अपना डोरी भी टाइट होना चाहिए ताकि पूरा बॉटम में दिखाई देवे और अच्छा दिखाई देवे। जैसे अपने यहाँ पर जो मार्किंग किया था वाटर लेवल के हिसाब से, इसके हिसाब से अपना पूरा डोरी पकड़ लेंगे और फिर उसको छांट देंगे इस तरीके से। जैसे अपने यहाँ छांट देने के बाद में जो यहाँ से अपना मेजरमेंट है तो अपना यहाँ से चेक कर लेंगे और उधर से अपना मेजरमेंट कितना लेंगे। जैसे यहाँ से अपना 4 फीट लगाए थे, यहाँ से जैसे 4 फीट लगाया था, अभी वहाँ चल के देखते हैं कितना लेवल आता है। यहाँ पे आ रहा है 4 फीट आधा इंची, यानी ये आधा इंची लेवल है वो डाउन है यहाँ का। और इसी प्रकार से अपना अच्छी तरीके से पूरा देख लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यदि अपने को यहाँ कुछ आइटम फिट करना है तो यहाँ से 1 फुट छोड़ के वो पूरा फिटिंग करते जाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे अपना पूरा लेवल यदि फॉल सीलिंग का लेवल भी चेक करना है तो अपना 8 इंची नीचे छोड़ के डोरी को छाट देंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। और जैसे सीलिंग से चेक करना रहता है तो अपने यहाँ पर इस प्रकार से सीलिंग से चेक कर लेंगे, यही डोरी पूरा अपना काम में आ जाएगा एक साइड से। इसी तरीके से अपना पूरा वाटर लेवल पूरे रूम का आराम से निकल जाएगा और काम भी सुंदर दिखाई देगा। सो थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।